नमस्कार, इस समय मौजूद है करनाल के हाईवे पर, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से इंडो कैनेडियन बस का एक तेज रफ्तार जो बस थी काफी ज्यादा जोरदार एक्सीडेंट हुआ है। गनीमत यह रही कि बाल बाल बचे हैं यात्री, और सभी तकरीबन जो यात्री थे एनआरआई से। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि इंडो कैनेडियन बस का एक काफ़ी ज़ोरदार एक्सीडेंट हुआ और काफ़ी तेज़ रफ्तार यह बस थी। और दूसरी बड़ी बात यह देखने को मिली है कि कोई भी इमरजेंसी द्वार इस बस में नहीं है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि जितने भी विदेशी सवार यात्री इस बस में सवार थे जो एयरपोर्ट से पंजाब की तरफ आ रहे थे, कि किस तरह से काफ़ी लोगों में गुस्सा देखा जा सकता है। आप ये बड़ी हादसे की खबर देख रहे हैं करनाल बलड़ी बाईपास इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक तेज रफ्तार इंडो कैनेडियन जो बस थी वो किस तरह से रेलिंग तोड़ती हुई पलटते पलटते बची है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस की टीमें मामले की छानबीन करती हुई मौके पर पहुंची है। गनीमत यह रही कि किसी को ज़्यादा चोटें नहीं लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती जरूर देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि जितनी भी एनआरआई फैमिली है उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरह से उनके साथ यह घटना घटी है, भविष्य में किसी और के साथ यह घटना ना घटे, ना ही कोई इमरजेंसी द्वार इस बस में था। वहीं दूसरी बड़ी बात यह है कि काफ़ी तेज़ रफ्तार थी और कहीं ना कहीं नींद आई है, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सभी जितनी भी फैमिलीज हैं तकरीबन एनआरआई फैमिलीज हैं, और भगवान का शुक्र है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। गनीमत यह रही कि बस पलटते पलटते बची है और किसी और बड़ी बस से टक्कर नहीं हुई है। पाजी, भगवान का शुक्र है कि सभी सुरक्षित है, लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था। हाँ, वो हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है भाई साहब। ये ड्राइवर कोई ऐसे बात नहीं हुई, ड्राइवर सोया पहले, हम दो तीन बार रास्ते में देखा, ये एकदम ब्रेक मारता था, एकदम ब्रेक मारता है। कोई इसके विंडो नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, इसकी सेफ्टी तो होनी चाहिए, एक ही विंडो है आगे से, जे को आग लग जाती फिर एक भी बचना नहीं था। हाँ, सभी पलटते पलटते भी आग लगनी थी इसको। आप कहाँ से आए? हम अमेरिका से, यूएसए से आए, हम पंजाब जाना है। इंडो कैनेडियन बस है या? तो आप देख सकते हैं कि भगवान का शुक्र है सभी बचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का हादसा भविष्य में किसी और के साथ ना घटे। मैम, सभी सुरक्षित हैं, वाहेगुरु का शुक्रिया है, लेकिन किसी और के साथ इस तरह की घटना ना हो तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इंडो कैनेडियन? मैं यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने जो ड्राइवर आ उन्होंने बारी बारी देनी चाहिए। ये नहीं कि एक ड्राइवर पहला बस लै गया मुड़ के फिर मोड़ के लै गया, कि सिर्फ 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए है, कि उन्होंने प्रॉपर रेस्ट करनी चाहिए है दोबारा फिर ड्राइव करने वास्ते। मुझे लगता है उसने पहले उसकी नींद आई है, नींद आने के कारण उसका जो टायर है उस हेज पे लगा है और वो फटा है फिर बाद में। तो मुझे और इनका सिक्योरिटी पर्पस भी बिल्कुल नहीं है बस में, एक ही विंडो थी उसी में से हम सारे इधर को निकले हैं। और मैं यही कहूँगी कि इतने इतने ये रेंट लेते हैं, हमसे फेयर लेते हैं, थोड़ा सा तो कस्टमर्स का सोचे ना एटलीस्ट। तो ड्राइवर्स को भी, राहगीरों की सेफ्टी सबसे जरूरी है। और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान का शुक्र है कि सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन भविष्य में इस तरह की कभी कोई घटना ना हो इसके लिए इंडो कैनेडियन प्रबंधन को इस मामले में जरूर जो है कोई ना कहीं अलर्ट रहने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ड्राइवर्स दो दो शिफ्टों में किस तरह से एक ही ड्राइवर गाड़ियां चलाता है, और उस कारण जो है कहीं ना कहीं सभी लोगों का कहना है कि भारी भरकम फीस वह इसलिए देते हैं, भारी भरकम जो किराया है वो इसलिए देते हैं कि कहीं ना कहीं जो इंडो कैनेडियन बसेस होती है वो काफ़ी सेफ्टी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंडो कैनेडियन बस का एक एक्सीडेंट हुआ और सभी एनआरआई फैमिली, भगवान का शुक्र है कि सभी लोग सुरक्षित हैं, इक्का दुक्का सवारी को छोड़कर सभी सुरक्षित हैं, इक्का दुक्का सवारी को चोटें भी आई हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंडो कैनेडियन बस जो काफ़ी तेज रफ्तार भी थी, और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सभी सवारियों ने कहा है कि ड्राइवर को पीछे भी जो है झपकी आई थी, और कहीं ना कहीं एक लॉन्ग रूट पर यह बस निकलती है पंजाब से, एयरपोर्ट पर सवारियां बिठाने जाती है और उसके बाद सवारियों को लेकर आती है, दो ड्राइवर्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जरूर हुई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ी रेलिंग तोड़ती हुई ये बस निकली है। जब हमने जी बाहर निकलने की रास्ता नहीं है कोई भी, तो जब हमने बोला ना शीशा तोड़ के बाहर निकलो, तो ड्राइवर ने किसी आदमी को बोला था तुमने मेरा नुकसान कर दिया। नुकसान हमारा हुआ नहीं, उसका हुआ सड़े का। मतलब बचे हैं आप तो बाल, हम तो बच गए बाल बाल। इमरजेंसी तो होना चाहिए जरूर, इमरजेंसी तो होना चाहिए था, लेकिन अभी है वैसी कोई बात नहीं है। तो आप कहाँ से आए सर? हम अमेरिका से आए हैं। तो कहेंगे कहीं ना कहीं ड्राइवर शिफ्टों में होना चाहिए, नींद नहीं है? दैट वी टोल्ड देम दैट ड्राइवर शुड बी टू। इन द मिडिल बैंड देयर वाज सम ब्लॉकेज, सम ट्रैफिक ब्लॉकेज, सो ड्राइवर स्लीपिंग एट दैट टाइम।
I cannot move. He was sleeping, both guys. तो ये आप देख सकते हैं। three time he punched the brake like a football. So some people hit his forehead, some people did. But very scared. What this driver is doing? तो देखो सभी लोगों की तरफ से एक सलाह दी, देख के सर देख के। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ा हादसा हुआ इंडो कैनेडियन बस का, और सभी लोग, सभी एनआरआईज भगवान का शुक्र है कि सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। और जिस तरह से कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, और जिस तरह से एक राहगीर ने बताया कि जब लोगों ने आसपास के लोगों को आवाज़ मारी कि आप दरवाज़ा, पिछली खिड़की तोड़कर आप सभी को बाहर निकाली, और ड्राइवर जो है उनको मना करने लग गया कि क्या उनकी बस का नुकसान आप करोगे, तो आप देख सकते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा से ज़्यादा उनको खिड़की का शीशा ज़्यादा कहीं ना कहीं पसंद था। तो कहीं ना कहीं सभी लोग आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं भविष्य में इस तरह की कभी कोई घटना ना घटे, इसलिए हम चाहेंगे तमाम लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक और महिला हैं, अमेरिका से आई हैं। माता जी, कैसे हादसा हुआ और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हम तो कहना चाहेंगे ध्यान से चलाएं, रात को सोएं, सुबह में गाड़ी चलाएं। क्यों गाड़ी चलाओ देने रात का, तो अखा मिची जाती है ड्राइवर दिए तो। तो हूँ वो कहना टायर फट गया, हूँ रब जानता भी टायर फटे कदों, अपने आप ही है ड्राइवर डिवाइडर च गड्डी बजी है। पीछे भी झटके मारे हैं। हाँ, पीछे भी नींद आउंदी सीगी, नींद आनी आनी, तो चार बजे लेके उठ के गड्डिया चलने, चल नींद आनी आनी है। गड्डिया की हालत देखो कितनी माड़ी है, गड्डिया के शीशे खुलने चाहिए ने। एमरजेंसी कोई डोर नहीं है, एमरजेंसी कोई डोर नहीं है, एमरजेंसी डोर हो तो कोई दूजे पास की निकल जाए, कोई बारी खुले अंदर ताड़ लेंगे, सिरे तक बंद कर लेंगे, मूहरा भी खड़की बंद, खड़का खड़का इन्होंने तो गेट खड़ाया सारे सवारियां ने। आप कहाँ से आए माता जी? हम ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक इंडो कैनेडियन बस का एक हादसा हुआ, और कहीं ना कहीं भगवान का शुक्र है कि सभी लोग सुरक्षित हैं, और किस तरह से एक बड़ी लापरवाही देखी गई है। और हम चाहेंगे जो भी लोग ये खबर देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तकरीबन फैमिली जो है एनआरआई है, और आखिरकार इस हादसे के पीछे क्या कुछ मुख्य वजह है, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। हम दिल्ली कनाडा से आ रहे हैं, दिल्ली से जो बस ली थी, तो जे ड्राइवर जो है रास्ते से सारी बार सब सवारियां इसको बोलती रही कि आप अच्छी तरह नहीं चला रहे, तो अच्छी तरह से चलाओ। इसने बहुत दफ़ा ऐसी ब्रेक लगाता था, सबके जेडे मुँह आगे बचते थे सीटों में, लेकिन जब मानता नहीं था भाई। मैंने कहा आप अच्छी तरह से बस चलाओ। जे बोलने लगा जे कोई कनाडा नहीं है, जे इंडिया है, जहाँ ऐसे ही चलती है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से सभी एनआरआई फैमिली जो इस बस में सवार थी, कहीं ना कहीं भगवान का शुक्र है कि सभी सुरक्षित हैं। हालांकि मौके पर ही एम्बुलेंसेस मौके पर पहुंच गई हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कोई ऑस्ट्रेलिया से आया, कोई कनाडा से, कोई अमेरिका से, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जरूर हुई है। भविष्य में इस तरह की घटना किसी और के साथ ना हो, तो उसी को लेकर सभी राहगीर ये जरूर कह रहे हैं कि ड्राइवर दो शिफ्टों में जरूर होने चाहिए, क्योंकि लंबा सफ़र होता है, और उसमें किस तरह से आप देख सकते हैं कि बाल बाल बचे हैं सभी लोग। और कहीं ना कहीं लोगों से भी अपील की जाती है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि कहीं ना कहीं इंडो कैनेडियन प्रबंधन तक ये जरूर पहुँचे। एक और आंटी है हमारे साथ। आंटी जी, कैसे हादसा हुआ था, आप जाग रहे थे जब हादसा? हाँ, हादसा तो बड़ा खतरनाक था। हमने इसको पहले भी वहाँ पे बोला हवेली में कि भाई आप ना बस ध्यान से चलाओ और अच्छी तरह चलाओ। इसने बोला कि नहीं, आप कनाडा से आए हो ना, इसलिए आपको ऐसे महसूस हो रहा है, पंजाब में तो ऐसे बसें चलती हैं। पर फिर हम तो हैरान थे जब एकदम ही गाड़ी यहाँ एकदम टकरा गई, तो हम तो एकदम पजल ही हो गए। हम तो घर तो फ़ोन कर दिया, हम ठीक ठाक पहुँच गए हैं, पर ये क्या पता था कि भाई ऐसा हादसा हो जाएगा हमारे साथ। तो ये आप देख सकते हैं कि सभी राहगीर बाल बाल बचे हैं, और तकरीबन जो है इनमें से एनआरआईज हैं, बाहर से आ रहे थे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से दूसरी इंडो कैनेडियन बसेस को रोककर जितनी जितनी सीट्स जिस जिस की अवेलेबल हो रही है उनके लिए उनको बसेस में शिफ्ट किया जा रहा है। करनाल जीटी रोड पर, बलड़ी बाईपास पर, थोड़ा पीछे पेट्रोल पंप के सामने यह हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी लोग बाल बाल बचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर एक गलती जरूर हुई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी एनआरआई फैमिली किस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं, और उनका कहना है कि पीछे भी इन्होंने हवेली पर भी बस ड्राइवर को कहा था कि आराम से चलाएं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो हुई है
जी पाजी, ये 1800 की चेक था, 2000 में हमें लेके आए थे, तो रसीद भी कोई नहीं हमें दी। तो इतने में तो टैक्सी भी मिल जाती है, टैक्सी तो किस चीज की रही? क्या कहते हैं, हम जब पहुंचे तो यही बस खड़ी थी, हमने कहा चलो जी इसमें चल जाते हैं, तो इसमें आ गए। अब हमारे को पैसा भी वापस नहीं है, चलो सट्टा तो बच गए हैं, और सारी गलती जितनी है कि ड्राइवर दी है, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि सारे हम वो उसको बोल रहे थे आप अच्छी तरह नहीं चला रहे। आप देख सकते हैं कि मौके पर जांच अधिकारी भी हैं हमारे साथ। सर कैसे हादसा हुआ, कहाँ पर हादसा हुआ, क्या पता चला? बस अभी कर रहे हैं तस्दीक जी इसकी। ये वोल्वो की है जी, इंडो कैनेडियन। कहाँ से कहाँ जा रही थी सर? ये दिल्ली एयरपोर्ट से पंजाब जा रही थी। तो क्या गलती सर पाई गई है इसमें? देखते हैं अभी, आगे बता रहे हैं कि कहीं ना देखते कहीं। हैं सर, देखते हैं पुलिस कर रहे हैं। देखते हैं, मौके पर पुलिस जांच अधिकारी पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं सभी जो NRIs हैं, जो सभी लोग आज यहां पर इस इंडो कैनेडियन बस से जो है जा रहे थे, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम आपको बस की तस्वीरें समय दिखा रहे हैं कि बाल बाल बचे हैं ये सभी लोग, और आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ है हम आपको दिखाएं। अल्फा इंटरनेशनल सिटी के सामने जब ये बस दिल्ली से आ रही थी, और काफ़ी तेज रफ्तार यह बस थी, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेलिंग को तोड़ती तोड़ती ये बस कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुई है, और स्पीड इस बस की इतनी ज़्यादा थी जिस कारण यह हादसा हुआ। और दूसरा, सभी राहगीरों ने यह कहा कि बस ड्राइवर को उन्होंने कई बार कहा कि कृपया करके स्पीड स्लो रखिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप सब विदेश से आए हैं, आपको ऐसे ही लग रहा है पंजाब में, हरियाणा में, और GT रोड पर जो बसें हैं वो ऐसे ही चलती हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही हुई है, और इंडो कैनेडियन बस का जो ये एक्सीडेंट हुआ है उसकी आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि बाल बाल बचे हैं लोग। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय करनाल GT रोड की, जहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर पहले इंडो कैनेडियन बस जो काफ़ी तेज रफ्तार से आ रही थी, और सभी राहगीरों ने कहा कि उन्होंने बस चालक को कई बार कहा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर जो लापरवाही हुई है उसकी जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि तकरीबन फैमिलियां आप देख सकते हैं कि सुरक्षित है, बस पलटते पलटते बची है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर जो लापरवाही हुई है उसकी जांच इंडो कैनेडियन प्रबंधन को, जो बसेस के ओनर होते हैं या जो कंपनी एजेंसीज होती हैं उनको इसकी जाँच जरूर करनी चाहिए। ये तस्वीरें समय लाइव देख सकते हैं, और हम चाहेंगे जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि कहीं ना कहीं ये सभी 150 लोगों की जो जान बची है। आप देख सकते हैं एक और शख्स हैं जो बाहर से आए थे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जाग रहे थे जब ये हादसा हुआ? तो मैं हाँ, हम जाग रहे थे, और हम के इसको बोल भी रहे थे ड्राइवर को कि अच्छी तरह से चला जाए, अच्छी तरह बात गड्डी चला नहीं रहा था, तो सभी सवारियाँ भी बोल रही थी बाकी भी, लेकिन ये मान नहीं रहा था किसी का, कहता ये तो इंडिया है, जो जलंधर अपने कनेडा नहीं है जे, तो सारी फुल थी गड्डी। हाँ जी, आप सभी बाहर से आए थे? हम कनेडा से आ रहे हैं, जलंधर पहुँचना। तो बाल बाल बचे हैं कहीं? हाँ, बच तो गए हैं, लेकिन कोई चांस नहीं था बचन का। जैसे कैनेडियन एजेंसी को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम तो कहेंगे कि कम से कम जो गड्डी है इसकी खिड़कियाँ तो होनी चाहिए, जे एक खिड़की है इसकी बाहर निकलने के लिए, तो सारे शीशे तोड़ के सवारियाँ बाहर निकली है। रॉन्ग रूट ड्राइवर है जो, पता नहीं एक क्या दो बार, एक कोई ड्राइवर है मेरा ख्याल है, ये तो इसको सोचना चाहिए सर ड्राइवर को, मेरे को नींद आ रही है, मैं ना चलावा गाड़ी को। पीछे भी कहा आपने इनको? सारी सारा सारे रास्ते में बोलते हैं, सभी बोल रहे हैं, मैं अकेला नहीं, लेकिन मानता नहीं था किसी की भी सर। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी लोग जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से आए हैं उनके साथ किस तरह से ये एक सड़क दुर्घटना हुई है। इंडो कैनेडियन बस जो GT रोड पर काफ़ी ही तेज रफ्तार से चल रही थी उनके साथ ये हादसा हुआ है, और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बस पलटते पलटते बची है। एक बड़ा हादसा करनाल में हुआ, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सभी यात्री परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब इनको यहाँ से इजीली जो व्हीकल्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इंडो कैनेडियन जो बसेस यहाँ पर आ रही हैं उनमें इक्का दुक्का ही जगह है, जिसमें जगह है, और वो वहाँ से शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सभी यात्रियों ने ये ज़रूर कहा कि कहीं ना कहीं जो ड्राइवर लेवल पर यह गलती हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और भविष्य में इस तरह की घटना किसी के साथ ना घटे इसका भी ध्यान जरूर देना चाहिए। यह लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल में यह हादसा हुआ, इंडो कैनेडियन बस जो है पलटी है, और किस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी यात्री जो तकरीबन NRIs हैं उनकी डिमांड सिर्फ यही है कि एक तो ऐसी बसेस में जब 2000 रुपये का किराया वह देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन्हें सेफ्टी नहीं मिलेगी तो अपने आप में बड़ा सवाल है, भविष्य में इस तरह की घटना किसी और के साथ ना घटे इसलिए इस मामले की जांच जरूर होनी चाहिए, और ऐसे ड्राइवर्स के खिलाफ निश्चित तौर पर कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी महिलाएँ हैं, ड्राइवर को रात को पेट के लिए काम करना है।
रात को जो जाते हैं तो दिन के लिए भी आते हैं, रात को और ड्राइवर गए, दिन को और ड्राइवर गए। हाँ, माता जी मेन यही है कि ड्राइवर को ड्राइवर को उन्होंने तो कमाई करनी है, ढिड दे लिए बच्चे पालने ने, उन्होंने कहा कि रात की तनखा सू फ्री मिलेगी, उत्थे सोमो दिने जाके गड्डी चलाओ। बसिस वाले हजारों लाखों रुपया कमाते हैं, दो ड्राइवर रखने चाहिए ने, एक ड्राइवर दिने चलावे एक रात नूं चलावे। ड्राइवर का की कसूर है बेचारे का, हुण उह तो टायर फट गया गड्डी लगी उत्ते, उहनूं नींद भी आ सकती है, नींद आ गई उहनूं, एक रात में जो नींद आ गया इधरों गया उधरों लैके मुड़िया आ ते आपे ही बस एक्सीडेंट होना, 80 सवारी ने जाना ने। तो ये आप देख सकते हैं कि लंबा सफर है और लंबे सफर में सभी लोग यही मांग कर रहे हैं कि दो ड्राइवर्स जरूर होने चाहिए, क्योंकि दो ड्राइवर्स अगर होंगे तो भविष्य में इस तरह की घटना नहीं घटेगी, क्योंकि सभी लोग किस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी लोग अभी घबराए हुए हैं, क्योंकि बाल बाल सभी लोग बचे हैं और ये हादसा। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से शहरी बस सेवा करनाल सिटी बस सर्विस को बुलाया गया है ताकि इन सभी सवारियों को करनाल के बस स्टैंड तक भेजा जा सके। आप ये तस्वीरें इस समय देख सकते हैं कि किस तरह से सिटी बस सर्विस को बुलाया गया है ताकि सभी सवारियों को करनाल जीटी रोड पर स्थित न्यू बस स्टैंड पर भेजा जा सके, ताकि वहां से सभी को सवारियां मिल सके और सभी जो है अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो सके। बिल्कुल सही बात है, जिस तरह से सभी राहगीरों ने बताया कि इंडो कैनेडियन सर्विस जिसकी बस थी, ऐसे जो ड्राइवर हैं उनके खिलाफ ज़्यादा नहीं बल्कि मालिकों के खिलाफ ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर इतना पैसा चब है, एक एक सवारी करीबन अगर 80 से 100 सवारियां होती हैं, सभी से भारी भरकम कराया, दो ढाई ढाई हज़ार किराया लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद एक लंबा सफ़र होता है, कम से कम दो ड्राइवर्स ज़रूर होने चाहिए ताकि एक आते हुए लंबे सफ़र पर पंजाब से दिल्ली, क्योंकि 6 से 7 घंटे का सफ़र है, एक वो सफ़र पर गाड़ी चलाए जबकि दूसरा ड्राइवर दूसरे सफ़र पर चलाए, तो निश्चित तौर पर ऐसे मालिकों के खिलाफ भी एक्शन जरूर होना चाहिए और इस मामले की पूरी गहनता से छानबीन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से सभी NRIs ने बार बार ड्राइवर को कहा कि आप स्लो चलाइए, आप नींद में है, क्योंकि पीछे भी उसने कहीं झटके मारे थे, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से करनाल GT रोड पर यह बस दुर्घटनाग्रस्त होती है। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं और आप देख सकते हैं कि 80 से 90 सवारियां जो तकरीबन अब रोड से आ रही थी, बाल बाल बचे हैं, भगवान का शुक्र है कि सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन आप देख सकते हैं बस की हालत, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। रेलिंग, जो एक मजबूत रेलिंग और एक पिलर है, उसको सीमेंट समेत पिलर समेत तोड़ते हुए बस किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई है, ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीमें मौके पर हैं, लेकिन सभी लोग किस तरह से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि करनाल हाईवे पर यह हादसा हुआ है करनाल हाईवे पर यह हादसा हुआ है बरड़ी बाईपास से थोड़ा सा पीछे इंडियन ऑयल का जो पेट्रोल पंप है उसके बिल्कुल सामने, अल्फा इंटरनेशनल सिटी के सामने, दिल्ली की तरफ से आ रही जो इंडो कैनेडियन बस थी, वह दुर्घटनाग्रस्त हुई और सभी जितने भी NRIs थे, भगवान का शुक्र है कि सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर एक लापरवाही जरूर देखी जा रही है और सभी सवारियों ने यह जरूर बताया कि कहीं ना कहीं जो इंडो कैनेडियन सर्विसेज को चलाते हैं, जो मालिक हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान जरूर देना चाहिए। कम से कम एक लॉन्ग रूट है, 7 से 8 घंटे की शिफ्ट होती है और दो ड्राइवर जरूर होने चाहिए। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को शेयर करें ताकि कहीं ना कहीं जो इंडो कैनेडियन बसेस सर्विस चलाते हैं उन तक यह बात जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यह बसेस पंजाब से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होती हैं तो करीबन 6 से 7 घंटे का समय लगता है, 6 से 7 घंटे यह ड्राइवर चलाते हुए जाते हैं, वहां से सवारियों को पिक करते हैं, उसके बाद वही ड्राइवर दोबारा से 6 से 7 घंटे का सफ़र करते हैं, तो करीबन 13-14 घंटे गाड़ी चलाने से तो कहीं ना कहीं नींद के झपके जरूर आते हैं और इस तरह के हादसे इंडो कैनेडियन बसेस के साथ लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस तरफ जरूर जो है कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। और आप ये तस्वीरें समय देख सकते हैं कि करनाल के बलड़ी बाईपास पर 80 से 90 जो NRI फैमिलीज थी, 80 से 90 जो लोग थे, भगवान का शुक्र है कि सभी सुरक्षित हैं और आप देख सकते हैं बस पलटते पलटते बची है और शुक्र ये भी है कि किसी ट्रक से या किसी बड़े व्हीकल से यह बस नहीं टकराई है, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। और दूसरी बड़ी गलती यह देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं जो इसमें एक इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए था, इमरजेंसी दरवाजा होना चाहिए था, इमरजेंसी विंडो होनी चाहिए थी, वह भी नहीं थी, जिस कारण यात्रियों को किस तरह से जो मौके पर कुछ चश्मदीद थे उन्होंने खिड़कियों के शीशे तोड़कर जो है उनको बाहर निकाला। बड़ी गनीमत रही कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी लोग सुरक्षित हैं, काफ़ी बड़ा हादसा हुआ और आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम
मौके पर पहुंची है। पुलिस ने तुरंत जो है अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि राहगीरों को दूसरी बसेस से वापस भेजा जा रहा है। सर, ये कहां पर हादसा हुआ और कैसे भेजा गया दबी राहगीरों को, कहां शिफ्ट किया जा रहा है? दूसरी बसों में शिफ्ट कर रहे हैं। तो हुआ कहां पर सर ये? सर ये अभी यहीं से बलडी बाईपास पर। इंडो कैनेडियन बस थी सर? हाँ जी। तो सभी सुरक्षित है? सभी सुरक्षित। तो क्या बताया हुआ कैसे हादसा सर? नींद में था ड्राइवर या तेज चला रहा? बहुत तेज तो कुछ नहीं था सर, वो ओवरटेक कर रहे ट्रक वाले ने। बता रहे हैं कि एमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था, कि बड़ी मुश्किल आई निकालने में? ना, देखने में तो थोड़ी हमारे से पहले हो चुका था सर, हम तो बाद में है ना। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और किस तरह से इंडो कैनेडियन बस का एक एक्सीडेंट करनाल हाईवे पर हुआ। सभी NRI फैमिलीज भगवान का शुक्र है कि सभी सुरक्षित हैं, लेकिन टक्कर काफ़ी ज़ोरदार रही। और आप देख सकते हैं कि कितने मजबूत पिलर्स थे जिनके साथ यह बस बड़ी बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यह हादसा हुआ है। करनाल बलड़ी बाईपास से थोड़ा सा पीछे दिल्ली से पंजाब की तरफ जा रही इंडो कैनेडियन बस जो है एक दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें सभी 80 से 90 NRI फैमिलीज मौजूद थी। एक दो को चोट आई है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये तस्वीरें समय आप देख रहे हैं कि किस तरह से करनाल बलड़ी बाईपास पर इंडो कैनेडियन बस जो दिल्ली एयरपोर्ट से पंजाब की तरफ जा रही थी, उसमें कई कमियां जरूर थी, उसमें कई खामियां जरूर थी, जिस कारण यह सड़क दुर्घटना हुई है। 6 से 7 घंटे का सफ़र एक तरफ का होता है और दोनों तरफ का सफ़र ड्राइवर के लिए काफ़ी भारी भरकम हो जाता है, जिसके कारण सभी लोगों ने यही मांग की है कि 2000 रुपये का भारी भरकम किराया वह देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जान असुरक्षित है। और जिस कारण आप देख सकते हैं कि कम से कम इस बस में 2 ड्राइवर्स होने चाहिए, क्योंकि लंबा सफ़र है। और किस तरह से इस बस में इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था, जिस कारण सवारियों को बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत झेलनी पड़ी। और सभी जो NRI फैमिलीज थी, आपने देखा होगा शुरुआत में, आप लाइव में देखेंगे किस तरह से सभी ड्राइवर को कोसते हुए नजर आए, इंडो कैनेडियन बस सर्विस के जो मालिक हैं उनको कोसते हुए नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर लापरवाही हुई है। और हम चाहेंगे जो भी लोग ये खबर देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि तकरीबन लोग या तो ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे या कैनेडा से या अमेरिका से, और पंजाब की तरफ ये जा रहे थे जब यह बस करनाल GT रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।